कि आपको लगता है कि एक्सेस स्क्रीन टाइम या स्क्रीन के साथ जो आपके बच्चे का इन्वॉल्वमेंट है वो आपके बच्चे के डेवलपमेंट में रुकावट क्रिएट कर रहा है। मैं रितिका कपूर, सीनियर स्पीच एंड हियरिंग कंसल्टेंट, आज आपके बीच में हूँ इन्हीं चीजों से रिलेटेड आंसर्स आपको देने के लिए, ताकि आप अपने बच्चे के डेवलपमेंट को सही तरीके से समझ सकें और उसको हेल्प कर सके सही टाइम रहते। आज मैं आपको एक नई टर्म से इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ, जिसको अभी अभी क्वाइन किया गया है या अभी अभी टर्म हमारे सामने आई है। ये है वर्चुअल ऑटिज्म। वर्चुअल ऑटिज्म अगर मैं आपको समझाऊं, ये एक ऐसी टर्म है जो कि उन बच्चों के लिए यूज की जा रही है जो लगभग 2 से 5 साल की एज में है, और ये बच्चों में ऑटिज्म जैसे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, बट आइडियली ये ऑटिज्म नहीं है। ये बेसिकली सोशल कनेक्ट और जो बच्चों का सोशल एक्सपीरियंस है वो कम हो जाने की वजह से, कोविड पीरियड में सोशल एक्सपीरियंस कम हो जाने की वजह से इस तरीके के सिम्टम्स बच्चों में दिखे हैं। और दूसरी चीज जिसने इस वर्चुअल ऑटिज्म को एग्रीवेट किया है वो है स्क्रीन टाइम, क्योंकि बच्चों को कोविड के पीरियड में सबसे ज्यादा स्क्रीन एक्सपोजर मिला था, जिसकी वजह से बच्चों का जो एक नॉर्मल स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट है, जो उनका इमोशनल डेवलपमेंट है, जो उनका प्ले डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, बिहेवियर डेवलपमेंट है, ये सारे डेवलपमेंट उनके इम्पैक्ट हो गए बिकॉज दे वर कन्फाइंड टू स्क्रीन्स। और स्क्रीन्स जो होती हैं उनको ये वन वे कम्युनिकेशन होता है, ये कभी भी दूसरे के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करता, स्क्रीन में जो आप देख रहे हैं वही चलता है ना। तो जिसकी वजह से बच्चा सारे डेवलपमेंट में पीछे हो जाता है, और ये सारी चीजें जो है बच्चे के इस एज पे जब वो डेवलपिंग एज में है, 2 से 5 साल का पीरियड क्रिटिकल डेवलपमेंट पीरियड होता है। और इस डेवलपमेंट पीरियड को क्रिटिकल क्यों बोला जाता है, बिकॉज इसमें न्यूरल सिनेप्सिस ब्रेन के लेवल पे सबसे तेजी से होती है। आप कोई भी चीज बच्चे को नहीं सिखाएंगे इस समय, बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि जो बच्चे कोविड के टाइम पे इस एज के आसपास थे उन बच्चों को नया कुछ नहीं मिला, दे वर जस्ट कन्फाइंड टू स्क्रीन्स, एंड वो स्क्रीन्स ने कभी भी उनको उनके लायक इनपुट नहीं दिया जो कि उनसे कम्युनिकेशन के लेवल पे हो। और इस वजह से इन बच्चों की ग्रोथ स्पेशली लैंग्वेज के टर्म्स में अगर मैं बोलूँ रुक चुकी है। मैं आज की डेट में, कोविड जबकि काफी हद तक जा चुका है, बट आज की डेट में अगर मैं आपको, मैं एक सीनियर स्पीच एंड हियरिंग कंसल्टेंट हूँ और मेरी क्लिनिक पर मैं 2 से 5 साल के ऐसे बहुत सारे बच्चों को देख रही हूँ जिनके पेरेंट्स का कंप्लेन है कि बच्चा आवाज देते रहते हैं, सुनने ध्यान नहीं देता है, नाम पर, नेम कॉल पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों का जो सोशल इंटरेक्शन है, यानी कि अपने साथ के बच्चों के साथ खेलना, वो सब बिल्कुल खत्म हो गया है बिकॉज उन्होंने प्ले डेवलपमेंट उनका प्रॉपर हुआ ही नहीं। तीसरा, बच्चे बोल रहे हैं लेकिन वो मीनिंगफुल नहीं बोल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो उन्होंने कार्टून देखा है उसी को रिपीट कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो जब डेवलपमेंट के टाइम पे उस समय वो अपने स्क्रीन से जुड़े हुए थे, स्क्रीन में जो उनको सुनाई दे रहा था वो उन्होंने सीख लिया, बट वो जो सुन रहे थे, जो इंटरेक्शन वो कॉमिक्स में या फिर जो भी जो कार्टून्स देख रहे थे उसमें जो वो सुन रहे थे वो उनके नॉर्मल एनवायरमेंट का कम्युनिकेशन नहीं है, वो फंक्शनल कम्युनिकेशन नहीं है जो कि हम एक पेरेंट और बच्चे के बीच में होता है। इसकी वजह से बच्चों में वो मेजर गैप की तरह देख रहा है कि बच्चों में एक्सप्रेसिव लैंग्वेज यानी कि बोलने की जो उनकी भाषा है वो बहुत ज्यादा डिले हो गई। इसके अलावा बच्चों में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी और बिहेवियर इश्यूज आ गए हैं। बिहेवियर इश्यूज को ऐसे समझिए, जब आपको दिमाग में समझ में आ रहा है कि आप क्या चाहते हो अपने एनवायरमेंट से, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका आईक्यू तो बढ़ रहा है ना, तो वो अपने एनवायरमेंट से कुछ चीज स्पेसिफिकली चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, उस चीज को समझा नहीं पा रहा है, तो बच्चा फ्रस्ट्रेशन में आता है, उसमें बिहेवियर इश्यूज आते हैं, एग्रेशन आ जाता है बहुत ज्यादा, हिटिंग बिहेवियर आ जाता है। ये सारी चीजें जो है एज अ कंप्लेन उन पेरेंट्स के पास से आ रही हैं जिन बच्चों ने इस टाइम में बहुत ज्यादा एक्सेस स्क्रीन टाइम लिया है, या फिर जिनको किसी भी तरीके से एक सोशल कनेक्ट जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। ये सारी चीजें वर्चुअल ऑटिज्म में भी बहुत कॉमनली देखी जा रही है। सो ये समझना बहुत जरूरी होगा एक पेरेंट के लिए कि ये जो मेरा बच्चा दिखा रहा है बिहेवियर्स या फीचर्स जो दिखा रहा है वो ऑटिज्म के फीचर्स हैं या फिर इट इज जस्ट वर्चुअल ऑटिज्म। और मैं आपको एक चीज समझाने के लिए डेफिनेटली बोलूंगी कि ये वर्चुअल ऑटिज्म कम्प्लीटली ट्रीटेबल है अगर आप सही टाइम पर इसको आइडेंटिफाई कर और बच्चे को प्रोफेशनल हेल्प और गाइडेंस दे देते हैं,
तो बच्चा पूरा रिकवर कर सकता है। आइडियली आपके अवेयरनेस की जरूरत है, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है।